आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बाजार जैसी बहुत सी सिंपल सी मूंगफली मसाला, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक इस रेसिपी में शेयर की है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, नहीं तो इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका मिस हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक कटोरी, नॉर्मली जो हमारे घर में सेंगदाना होता है उसी को लिया हुआ है। एक दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर देना है। इसे एक गिलास पानी में हम वॉश कर लेंगे। आप चाहे तो एक दो चम्मच पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। ये क्यों करना है मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। वॉश करने के बाद इसे दूसरे बर्तन में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। इससे ये होगा जो भी हमारे मसाले होंगे बिल्कुल भी चिपकेंगे इससे नहीं। अगर हम मूंगफली को भिगाएंगे नहीं या पानी नहीं डालेंगे, जो भी मसाले आप डालोगे सीधे नीचे जाएंगे, मूंगफली को कोट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। साथ में ही दो चम्मच यहाँ पर मैंने बेसन डाला हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरा बनाने के लिए इसमें चावल का आटा एक चम्मच डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। बाज़ार वाले क्या इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनकी मूंगफली थोड़ी फूली रहती है, तो यहाँ पर आप सोडा खाने वाला डाल सकते हैं 1 पिंच, जिससे कि आपकी जो मूंगफली है एकदम मसाले वाली फूली फूली बनेगी। तो यहाँ पर तेल अच्छा सा हमने गरम कर लिया है, और जब आप डाल रहे हैं तो मीडियम आंच पर ही डालेंगे, और उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे चलाएंगे। बहुत ज़्यादा तेल मैंने यहाँ नहीं ऐड किया, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब तेल में जाने के बाद 5 मिनट ऐसे ही छोड़ने के बाद इसे आप चला के लें और देखेंगे कि हर मूंगफली का दाना अलग हो गया है। और इसी तरीके से हमें अच्छे से इसे फ्राई करना है क्रिस्पी होने तक, और उसके बाद हमें इसे निकालना है। आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट करना भूल गई, अगर रेसिपी मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और फेसबुक पर अभी तक मुझे आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत ही कम बजट वाली रेसिपी मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ, तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर हमारा सेंगदाना मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप चाहें तो इसे हल्का सा डार्क कर सकते हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, तो आप देख रहे होंगे तो बहुत ही कम तेल में इसे मैंने फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है। तेल भी हमारा जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, अच्छा क्लीन है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ किया तो दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते। अब बाकी बचा हुआ हमें सेंगदाना इसी तरह से फ्राई करके ले लेना है। कई बार बाज़ार में हम जाते हैं और मूंगफली देखकर मूंगफली मसाला लेते हैं तो पैकेट में सिर्फ हवा भरा रहता है, 4 दाने सिर्फ सेंगदाने के रहते हैं। तो इस तरीके से आप एक समय में बहुत ज़्यादा बनाकर रख सकते हैं, ट्रैवलिंग हो या घर पर ही खाना हो, चाय के साथ पीना हो तो आप इसे खा सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में।